हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बताएंगे कि बिहार पुलिस का जो है एडमिट कार्ड जारी हो गया है। एडमिट कार्ड बिहार पुलिस का आ गया है। तो दोस्तों, आपको कैसे डाउनलोड करना है पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो के नीचे जाइए और वीडियो के नीचे आपको लाल बटन का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसको दबाइए। और दबाने के बाद बगल में घंटी आएगा, उसको भी दबाइए ताकि बिहार पुलिस से रिलेटेड हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करना है, csbc.bih.nic.in। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर सर्च करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, इसके सबसे ऊपर में ही आपको 27/12/2019 को एक नोटिस जारी किया गया था, जो कि वो अभी लिंक एक्टिवेट नहीं था, लेकिन जो आज 30 तारीख को लिंक एक्टिवेट कर दिया गया। ठीक है, देख सकते हैं, लिखा हो डाउनलोड योर ई एडमिट कार्ड रिटन एग्जाम फॉर बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल। एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है 02/2019। ये जो डाउनलोड योर लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपसे ओके यहाँ पर आएगा, ओके कर देना है। जैसे ही ओके करिएगा तो देखिए दोस्तों, अभी सर्वर स्लो चल रहा है, तो हो सकता है आप में रीलोड का ऑप्शन आ जाते, आपको 2-3 बार ट्राई करना है। ठीक है, तो जैसे ही देखिए यहाँ पर रीलोड आ गया, आपको रीलोड करते रहना है। जैसे ही आप यहाँ पर ट्राई करिएगा कुछ देर, तो उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आएगा जिसमें आपको ऊपर रजिस्ट्रेशन और नीचे यहाँ पर डाउनलोड रिटेन एग्जाम एडमिट कार्ड। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए या फिर आप मोबाइल नंबर से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, किसी में से एक को डालना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद नीचे में आपको कैप्चा आ जाता है, कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना। ठीक है दोस्तों, जैसे ही सबमिट पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर आ जाएगा, जिसमें आपका सारा चीज इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा और नीचे में भी आपको जरूरी कुछ बातें रहते हैं एडमिट कार्ड के नीचे, तो आपको वो देख लेना है। ठीक है, पढ़ लेना है और उसमें आपका सारा एग्जामिनेशन सेंटर और आपका डेट भी सारा दिखा देगा। तो दोस्तों, एडमिट कार्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर डायरेक्ट एडमिट कार्ड के पेज पर आ सकते हैं और वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ऐसी सभी को जानकारी मिलता रहे अच्छी। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को जरूर दबाइएगा।